अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं। नए व्लॉग में खुश आमदीद। ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है कराची में और मैं इस वक्त नाज़ामाबाद में हूँ। एक दो काम से मैं निकला था, इब्राहिम साहब के एक छोटे छोटे दो तीन काम थे, वो काम करवा के अभी घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बारिश शुरू हो गई है जनाब। ये देखें आप, ये दिखाते हैं आपको, बारिश शुरू हो गई है और मज़ेदार किस्म की बारिश है। ये देखें, ये सुहाना मौसम चल रहा है इस वक्त भाई। इस मौसम में जाना, इस मौसम में खाने का जो मज़ा है वो है समोसे, रोल, इस तरह की चीज़ें। तो भाई ये हमने लेनी है, इसमें हमने वॉन्गटोंग लिए हैं और एक दो रोल लिए हैं, तो वो जाके घर पे ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जनाब बारिश की सूरत हाल आपको दिखा दी है। इस वक्त सड़कों पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, चूँकि बारिश बहुत तेज़ हुई नहीं है। अगर बारिश तेज़ हो जाएगी तो ये सड़कें जाना पड़ जाती हैं। ये नाज़ामाबाद बोर्ड ऑफिस वाली जगह है और आप ये देखें, पुल के नीचे जो है ना लोग खड़े हो जाते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। ये देखें, ये गाड़ियाँ और ट्रक व्रक ये खड़े होने का क्या तो बनता है भाई, पूरा रास्ता इन्होंने रुका हुआ। अजीब सूरत हाल है हमारी कौम की। ये देखें, ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बेटा, मज़ा आ रहा है, उसको तो लाओ बच्चे को। वो देखो, ये देखो बच्चे मज़े कर रहे हैं बारिश में। ये पानी ऊपर से आ रहा है और बच्चे जो है खेल रहे हैं। ये जी कितना सुहाना मौसम हो गया, ज़बरदस्त भाई। ये देखें, ये काफ़ी मोटी मोटी जो है बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं। आप देखें, ये एक अलग ही व्यू लग रहा है, ज़बरदस्त। और ये पीला पीला जो पानी है ना, ये पहाड़ों का पानी है जो नॉर्थ आबाद के पहाड़ों से आता है ना, ये पीले रंग का पानी इसका होता है। लेकिन इस पीले पीले पानी पे जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ना, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ओए होए 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 भाई, ये वॉन्टन और ये चीज़ रोल ये मैंने ले लिए थे रास्ते में से, अभी इसको ट्राई करते हैं, इंजॉय करते हैं। सीन ये भाई कि मैं भी जा रहा हूँ बनारस के पुल के नीचे, क्योंकि मेरी जो गाड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम कर रही है सेल्फ लेने में, और सेल्फ नहीं ले रही, बिल्कुल डेड हुई है। अभी गाड़ी जो है ना धक्का लगा के मैंने स्टार्ट करवाई है कुछ लोगों से, तो बस अभी वहाँ जा रहा हूँ और जाके जो है ना फिर देखते हैं कि सीन क्या है गाड़ी के अंदर, उसको ठीक कराते हैं। तो मेरे साथ ही रहिए। मैं बनारस के पुल के नीचे हूँ और क्यों आपको दिखाता हूँ, ये मेरी वलीला हो गई है ख़राब, सेल्फ में ले रही है। ये भाई हैं, इनको मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये फॉल्ट भाई पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो देखें अभी फॉल्ट जो है वो सामने आता है तो फिर आपको बताते हैं। जब ये सीन ये कि अभी फॉल्ट नहीं मिला है भाई, अभी चेक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि करंट जो है ना वो नहीं आ रहा, देखते हैं। अच्छा जी, ये बनारस के पुल के नीचे जो है ना, ये जितने भी पिलर हैं हर पिलर की एक निशानी है कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा एक्सपर्ट बैठा हुआ है। कहीं डेंटर मिलेगा आपको, कहीं पे वेल्डर मिलेगा, कहीं पे इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, कहीं मैकेनिक मिलेगा, तो ये पिलरों की इसकी निशानी है। ये सामने जो है कैफ़े बसीन है, यहाँ पर हमने जो है ना कीमा खाया था एक दफ़ा। अच्छा भाई, पिछले वाले मैकेनिक्स जो है ना वो फॉल्ट नहीं पकड़ गया। अभी मैं आया हूँ यहाँ पुल के नीचे साई के पास, तो साई अभी चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या फॉल्ट है। ये भाई सेल्फ खोल दिया गया और सेल्फ को चेक कर रहे हैं भाई, ये भी खोल के इसमें क्या प्रॉब्लम है। भाई ये फॉल्ट भाई ने पकड़ लिया है, क्या नाम है आपका भाई? वसीम भाई। ये बनारस के पुल के नीचे होते हैं, साइन के पास होते हैं, माशाल्लाह इन्होंने फॉल्ट भी पकड़ा है और बहुत अच्छा इन्होंने काम करके दिया है वसीम भाई ने। वसीम भाई शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा ये साइन ने जो है ना बहुत अच्छा ठीक कर दिया गाड़ी, क्योंकि सेल्फ का प्रॉब्लम था ना ये हल हो गया, लेकिन अभी भी जो है ना एक प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो इग्निशन स्विच है ये कभी कभी बिल्कुल डेड हो जाता है, मतलब ये कि उसको करंट ही शो नहीं कर रहा होता, तो एक दो दफ़ा इसको फिर घुमाना पड़ता है। तो उसमें बताएं दोस्त जिनको नॉलेज हो कि क्या करना चाहिए, इसको भी मेरा ख्याल है किसी
इलेक्ट्रिशियन को दोबारा दिखाऊं या साईं को दोबारा दिखाऊं। साईं भी इलेक्ट्रिशियन है, वायरिंग वगैरह करता है, तो मेरा ख्याल है कि साईं को जो है दोबारा दिखाना पड़ेगा ले जाकर, और उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई, उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सेल्फ का काम बहुत अच्छा कर दिया उसने, बहुत सेटिस्फाइंग काम कर दिया। और मेरा जो टोटल ख़र्चा आया ना उसके अंदर, वो आया है 1500 रुपये। तो यही काम मैंने पहले कराया था एक बंदे से, बिल्कुल यही मसला 6 महीने पहले आया था इस गाड़ी के अंदर, तो वो मसला उसने तकरीबन 2000 में किया था और ये काम भी उसने सही नहीं किया था। तो साईं ने बड़ा पैसे भी कम लिए और काम भी अच्छा करके दिया। इसमें एक बॉडी होती है इसकी, सेल्फ की जो बॉडी होती है ना, तो वो बॉडी उसने चेंज की है, तो वो बॉडी 1200 रुपये की, बल्कि 1300 रुपये की बॉडी लगाई है। बाकी उसने मिल मिला के टोटल मेरा ख्याल के 1800-1900 रुपये लगे मेरे, तो नॉट बैड। बोर्ड अब इसके बिल्कुल साथ जो है ना सब्ज़ी मार्केट, सॉरी फ्रूट मार्केट लग गई है। तो मैंने अभी देखा है यहाँ पर एक फ्रूट है जो बहुत ही कम आता है कराची में और बहुत कम अरसे के लिए आता है, वो फ्रूट मुझे नज़र आया है और उसका नाम है नाशपाती। ये देखें आप, ये मैं आ गया नाशपाती के पास। ये भाई आ गई है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी नाशपाती। क्या हिसाब दे रहे हैं बस? 200 रुपये किलो भाई। सही है, ये भाई आड़ू आ गए बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ये ले लेता हूँ मैं, अभी सस्ते हैं, 200 रुपये किलो है। लो भाई, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मार्केट लगी होती है और मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 50-60 ठेले होते हैं यहाँ पर फ्रूट के। पीछे रक्षे वाला आ रहा है मुझे मारने के लिए। भाई बड़ा दिल चाह रहा था नाशपाती का और कई दिनों से मैं देख रहा था कि आना शुरू हो गई, तो मैं ज़रा ट्राई करता हूँ। काफ़ी क्रंची सी होती है, जायका जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, ट्राई करते हैं। वाह भाई, अल्लाह ताला की जो तख्लीक है ना उसकी तो बात ही अलग है भाई। इंसान जो है वो जितने चाहे खाने वाने बना ले, और तरह तरह के खाने होते हैं बना लेता है, नारी कोरमा ये वो, ज़ाहिर है उसमें जो चीज़ें हैं वो भी ज़ाहिर अल्लाह ने बनाई है, लेकिन ये जो कुदरती पल होते हैं ना इसकी बात ही अलग होती है।